बच्चे का नाम भी लिया जिसने 11 और 9 साल। अच्छा, किस वजह से सर किया वो पता चल पाया आपका इन्वेस्टिगेशन? अच्छा, मैंने कहा आर्थिक तंगी है, कौन वजह थी, उसके 5 महीने से किराया नहीं दिया है और जो भी जीविका चल रही थी वो अपने पड़ोसियों से पैसे मांग के। सर वो वकील था तो क्या कहीं वो प्रैक्टिस नहीं करता था? वकील थे पैसे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं चलती। सर अम्बेडकर नगर में भी सर एक बार फैमिली मेम्बर्स पाए जाते हैं, उनको इमीडिएटली रिम्स ट्रामा सेंटर शिफ्ट किया जाता है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनमें से एक बच्ची जिसका नाम दीपिका है, उसने ये बताया कि पापा ने ये सब किया है। तो अंडर ट्रीटमेंट है, स्टेबल है। जो आदमी है जितेंद्र, वो अभी भद्रा हॉस्पिटल में कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार क्या वजह थी जिस वजह से जितेंद्र बहादुर ने अपने छोटी बेटियों पर जो पत्नी है उस पर भी तेजदार हथियार से हमला किया, उसको लेकर के पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो एरिया है रिहायशी इलाका है, संगम घर का इलाका है। अनुप जी, हुआ क्या है यहाँ पर, अचानक से क्या देखा यहाँ पे? सर मैं तो 5 बजे रेस्ट में दिन में रेस्ट कर रहा था, तो 5 बजे मैं उठा हूँ, तो उस टाइम मैं फ्रेश ब्रश हुआ तो मैंने देखा कि दरवाजे की आवाज़ आ रही है यहाँ से, तो मैं बाहर निकला तो उस टाइम ऊपर जो भैया हैं साथ वाले रूम पे, उन्होंने बोला कि यार ये साथ वाले पड़ोसी ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं देखता हूँ। मैं भी आया तो मैंने खिड़की से देखा तो कुछ नज़र नहीं आया, मैंने भी थोड़ा खटखटाया दरवाजे को, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद फिर पुलिस को कॉल किया। तो किस हालत में थे अंदर परिवार के, कितने लोग थे अंदर? अंदर 4 फैमिली मेंबर थे, ये हस्बैंड वाइफ और बच्चे थे, 2 लड़कियां जिनकी, और बाकी अंदर का माहौल में देख नहीं पाया बिकॉज जब पुलिस आ गई थी तो अंदर एंट्री नहीं थी। क्या ये एडवोकेट थे क्या? ये जो यहाँ पे सबको बताया गया है कि वकील वकील करके सबको मालूम है कि वकील थे, मतलब वकालत कर रखी थी जो भी, बट अभी शायद कुछ अनएम्प्लॉयड थे इसलिए कुछ परेशान थे। तो क्या शरीर पर चोट के निशान थे, क्या देखा, मतलब खून निकल रहा था? हाँ, जो जैसे डेड बॉडी नीचे आई तो मैं यहीं था, तो उस टाइम तो ब्लड से, मतलब जो हस्बैंड थे वो पूरे मतलब ब्लड से। अच्छा, कब से रह रहे थे यहाँ? ये सर कोई 5 से 6 महीने हो गए। अच्छा, किस बात को लेकर कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया हो, फैमिली डिस्प्यूट था क्या था? ऐसा कभी जिक्र नहीं हुआ, मतलब फादर साहब से बात होती थी कि, तो वो यही कहते थे कभी जॉब के लिए, जॉब कहीं जॉब होगी तो बताना मेरे को। क्या नाम है इनका, ये जो है जिन्होंने अटैक किया? ऐसा मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है बिकॉज ये वकील वकील के नाम से सब लोग जानते थे। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप शर्मा।
कॉल करें सर, पहले ये बता दीजिए संगम विहार वाला क्या मैटर है, कितने बजे की कॉल था और क्या हुआ है सर? ये इंसिडेंट 8:25 का है, जिसमें एक शख्स जिसकी शिनाख्त बतौर जोगिंदर हुई, जितेंद्र, जो झारखंड का मूलतः रहने वाला है और काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, अपने परिवार के साथ रहता है, पत्नी है तो बच्चे हैं, तो उसने आज शाम को अपने परिवार के साथ जब घर में मौजूद था तो घर से अंदर बंद करके पहले अपने वाइफ को शार्प इंजरी इन्फ्लिक्ट की, दो बच्चियों पर माइनर शार्प इंजरी है नेग्लिजेंट, और फिर अपने आप को गले में स्टैब किया। जब पड़ोसी ने कोशिश की दरवाजे पे खटखटा के बाहर बुलाने की, तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब जाकर पड़ोसी ने PCR कॉल करी। PCR कॉल मौके पर आके देखती है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, उसको धक्का दे के उसको तोड़ के खोला जाता है। तो मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा, ये केस जो है ये सुसाइड का केस होगा, इनके कदम कंडीशन ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें धारा 307 में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश आगे बढ़ेंगे। मतलब अम्बेडकर नगर का सवाल है, इसमें जोगिंदर और अमन नाम के दो लड़के हैं और इनका जानकार है सोनू नाम का लड़का, पिछले कई सालों से इनकी जानकारी है। तो इनकी पिछले 5-6 महीने पहले एक माइनर आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके चलते आज झगड़ा हुआ, जिसमें मुशाफ़ इंजरी से इन्फेक्ट किए हैं सोनू को, इसमें ब्लैंड ट्रीटमेंट उनकी डेथ हुई, जिसमें 302 सर। इसमें एक और मर्डर हुआ है जुनैद सर, जुनैद का मर्डर हुआ है या क्या हुआ है सर? जुनैद का मर्डर नहीं हुआ है, जुनैद के सर पे चोट है, अंडर ट्रीटमेंट है, स्टेबल है, और 308 में क्या सर किसी को पकड़ा भी गया अंबेडकर नगर जो सोनू वाला मर्डर? उसमें अमर और जोगिंदर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो मैंने एक संगम विहार में और मर्डर है सर,